साबिक वजीर आजम की आज एहतसाब अदालत में पेशी। नवाज शरीफ जाती उम्रा से सख्त सिक्योरिटी में इस्लामाबाद रवाना हो गए। नवाज शरीफ बजरिया मोटरवे इस्लामाबाद जाएंगे। हरबंसपुरा के इलाके में लेन देन के तनाजे पर फायरिंग। फायरिंग से एक ही खानदान के तीन अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में गुलाम रसूल शाहिद वकाश शामिल। पुलिस ने जख्मियों को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल करके मफरूर मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। शहर में डाकू बेलगाम। सब्जाजार में घर में डकैती की वारदात। छह डाकुओं की अहलखाना को यरगमाल बनाकर लूटमार। खवातीन से भी बदतमीजी। नकदी तलाई जेवरात और दीगर कीमती सामान लूट कर फरार। सांडा के इलाके में चोर दुकान से मोबाइल फोन लेकर गए। दाता दरबार के दाखिले दरवाजे के सामने रात गए। आटे से भरा ट्रक उलट गया। ट्रक का एक्सल टूटने के बाद हादसा पेश आया। साढ़े तीन घंटे बाद ट्रक को रोड से हटा दिया गया और रोड को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। चालान जमा न कराने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। सेफ सिटी अथॉरिटी ने 15 से ज्यादा गाड़ियों को मुख्तलिफ थानों में बंद कर दिया। सीनियर वजीर पंजाब का पार्क्स में शादी की तकरीबात का नोटिस। पार्कों में शादी पर जिलाई हुकाम और पीएचओ को फौरी कार्रवाई करने की हिदायत। अवामी मकामात की खूबसूरती खराब नहीं होनी चाहिए। सड़क बंद करके या पार्क में शादी की तकरीब खिलाफ कानून है। अब्दुल अलीम खान। वफाकी वजीर इत्तलात ऑपोजिशन पर बरस पड़े। बोले गवर्नर पंजाब या वजीर आला के बारे में कुछ कहने से कोई बहरान पैदा नहीं हुआ। हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली। इमरान खान ही लीडर हैं। बड़ा भाई वजीर आजम छोटा भाई वजीर आला बन जाए ऐसा नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ पर हाथ डाला तो डीजी नैब की डिग्री जाली हो गई। मौलाना फजलुर रहमान पर भी खूब तनकीद। कहा कि हुकूमत की गाड़ी डीजल के बगैर भी अच्छी चल रही है। हुकूमत मजहबी क़यादत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। नजरियात की जंग गोली से नहीं दलील से जीती जा सकती है। फवाद चौधरी बताएं वो नैब के तर्जुमान हैं या हुकूमत के। इमरान खान के एहसाब पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सवार हैं। आवाम जानना चाहते हैं 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां कब मिलेंगी। तर्जुमान नून लीग का मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल। गार्डन टाउन चेयरमैन पीटीआई सेक्रेटेरिएट में इजलास। पीपी 168 में जिमनी इलेक्शन के हवाले से मुशावरत। मलिक असद खोकर को भारी अक्सरियत से कामयाब कराएंगे। नजरियाती और नाराज कारकुनों को पार्टी में शामिल किया जा रहा है। कप्तान का खिलाड़ी हूँ आवाम की खिदमत मिशन है। अरशद दार उमर डार और मलिक असद खोकर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर में हाइड पार्क की तर्ज पर स्पीकर्स कॉर्नर बनाने की तजवीज़। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने तजवीज़ की मंजूरी दे दी। वजीर आला की स्पीकर कॉर्नर के लिए लाहौर में मुनासिब जगह तजवीज़ करने की हिदायत। एहतजाज गाह में शिकायत के लिए आवाज़ बुलंद करने की इजाज़त होगी। दरबारों के गलों में जमा होने वाले चंदों से मुतालिक केस। चीफ जस्टिस का गलों के पैसों से मुतालिक ऑडिट रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सालाना 85 करोड़ रुपए जमा होता है। फॉरेंसिक ऑडिट करा रहे हैं वकील औका। आप तमाम चंदा तनख्वाहों और तजीनों आराइश पर लगा देते हैं। गलों के पैसे खुर्द बुर्द हो रहे हैं। लोग पैसे बंदर बांट के लिए नहीं देते। चीफ जस्टिस के रिमार्क। चीफ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत मांग ली। नालैंड मुबारक की चोरी अकीदे का केस है। इतनी कीमती चीज चोरी हो गई और हमें पता ही नहीं। नालैंड मुबारक की चोरी से मुतालिक रिमार्क्स जीआईटी के तमाम नुमाइंदों को तलब कर लिया। ये आम केस नहीं कि मुकदमा दर्ज करवाया और बैठ गए चीफ जस्टिस।
यूनाइटेड क्रिश्चियन अस्पताल फंड्स की अदम फराहमी से मुतालिक केस की समाअत। अस्पताल की बहाली के लिए हर हद तक जाऊंगा। अस्पताल में घास पौधों के लिए भाई फेरू भी जाना पड़ा तो जाऊंगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क, चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब। ग्रेटर लाहौर सोसाइटी के बारे में केस, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नैप को 15 दिनों में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। कई लोग सोसाइटीज पर सांप बनकर बैठ गए हैं। ट्रांसफर कराने पर लोग सियासी सिफारिशें तलाश करते हैं, चीफ जस्टिस के रिमार्क। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सियासी, समाजी और पुलिस अफसरान की मुलाकातें। अंजुमन आराइया के सदर मियां सईद डेरेवाला के वफ़द के हमरा मुलाकात, डैम फंड के लिए चेक दिया। डीआईजी लीगल पंजाब अब्दुर्रब और सैफुल्ला और अब्दुल्ला मलिक की भी मुलाकात। सेहतियाबी पर गुलदस्ता पेश किया। जैनब के वालिद हाजी अमीन भी मिले, खैरियत दरियाफ्त की। नोटिस ना कोई डिमांड, जिमखानों की बंदिश के खिलाफ बॉडी बिल्डर्स मैदान में आ गए। कश्मीरी गेट पार्क में पीएचए के खिलाफ एहतजाज नारेबाजी। जिमखाने हालत बेहतर करने के लिए बंद किए, खसूसी कमेटी कायम। रिपोर्ट आने पर फैसला करेंगे, जिमखाने प्राइवेट अफराद को देने हैं या पीएचए इंतजामी अमूर चलाएगी। चेयरमैन पीएचए सैयद सैयद गिलानी की वजाहत। मिलातुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां अरूज पर। गणपत रोड सजावटी अशिया की खरीदारी के लिए मुख्तलिफ स्टोर्स पर शहरियों का रश। तहरीके मिनहाजुल कराम के ज़ेरे एहतमाम बिलाल कॉलोनी से दरोगा वाला चौक तक मशाल बरदार रैली। फजा दरूदो सलाम की सदाओं से मुअत्तर हो गई। खातून अव्वल बुशरा बीबी की सहेली फराह खान के हमरा फाउंटेन हाउस आमद। ज़हनी माजूर अफराद के साथ वक्त गुजारा, हाल अहवाल पूछा। कहा मुस्तहिक अफराद कौम का असासा है, बेसहारा अफराद से मिलकर दिली सुकून मिलता है। मासी की मारूफ अदाकारा रूही बानो की मुश्किलात कम न हो सकी। कब्जा माफिया से तहफ्फुज दिलाया जाए, वजीर आजम और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील। रूही बानो कहती हैं, गुलबर्ग के प्रॉपर्टी डीलर मेरे घर पर कब्जा करना चाहते हैं। इन्हीं प्रॉपर्टी डीलर की वजह से मेरा बेटर कत्ल हुआ था। 2 साल कबल मुझ पर कातिलाना हमला किया, आप भी मुझे तंग कर रही हैं। अब मेरे लापता होने की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ग्लोबल मॉन्टेसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट का पहला कॉन्वोकेशन, 75 से ज्यादा तलबा को टीचिंग तरबियत मुकम्मल करने पर डिग्री से नवाजा गया। इंस्टीट्यूट की सीईओ सैयदा असमत जहरा कहती हैं, अच्छी ट्रेनिंग हासिल करने वाले अतसाजा ही तलबा को अच्छी रहनुमाई फराहम कर सकते हैं। और लिबर्टी मार्केट में ऑटो शो, चमचमाती गाड़ियों और हैवी बाइक्स की नुमाइश। मोटरसाइकिल्स के दिलदादा अफराद की गहरी दिलचस्पी, मनचलों की खसूसी परफॉर्मेंस देखने के लायक।